दाम वाला मैं फल रखा लगा उनकी यार कौन दी है भैया हो गया नहीं हो रहा खबर कि इससे इसका डर मालूम हो रहा था उनकी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी अब उनको रहमतुल्लाह अलैह के साथ कहना है। वो उम्मत के बहुत बड़े के उम्मत की खेती के बहुत खेलवाड़ थे और उनसे बहुत तकवियत मिल रही थी सारे मसाइल में। उम्मत की सरबराही कर रहे थे, उम्मत के मसाइल को हल करते थे और उनसे उम्मत को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा था। और वो थे भी आला ख़ानदान के आदमी के जिन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की और जिन्होंने उम्मत की बड़ी खिदमत की उन्हीं के फर्जंद थे और उनकी वजह से बड़ी तकवियत थी मसाइल के हल करने में और मामला को देखने में। ये उम्मत जो इस यहाँ पर अकलियत में है उसको ऐसे अशखास की बड़ी ज़रूरत है कि जो उसकी किसी को खे सकें और उसके मसाइल को हल कर सकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वली रहमानी रहमतुल्लाह से ये चीज़ हासिल थी। ये अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत उसका अजर अता फरमाए और उनके जाने से जो नुकसान हुआ है अल्लाह उनकी तरफ ही जो बेहतर हो अल्लाह ताला अता फरमाए। हमारा चूँकि उनका बड़ा साथ रहा, ख़ास तौर पर ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सिलसिले में जब से हमारा उनका रब्ता कायम हुआ उस वक्त से हमें बहुत क़ुव्वत हासिल होती थी और मसाइल जो होते थे तना हम उसको नहीं झेल सकते थे। वो आम तौर पर उन्हीं को झेलना होता था इसलिए कि वो सेक्रेटरी जनरल थे। वो सेक्रेटरी जनरल की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, अमली ज़िम्मेदारियाँ। हमको इस तौर पर तकलीफ भी हासिल थी कि मामलात को वो देखते थे और हल करते थे और काबिल इत्मीनान तरीके से हल करते थे। लेकिन मुकद्दर की बात होती है कि अल्लाह ताला ने उनकी जो उम्र रखी थी वो उम्र पूरी करके इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह ताला उनको ऊँची जगह और बहुत तकर्रुब की जगह अता फरमाए और उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और उनके जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी अल्लाह ताला
उसको तलाफी फरमाए। हम उम्मत से उम्मत के सामने अपने इस गम का और अफसोस का इजहार करते हैं कि उम्मत को जो नुकसान हुआ उनके जाने से बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला अल्लाह माफ़ करे और उसकी तलाफी अल्लाह ताला पैदा फरमाए। हम उम्मत के सामने अपने अफसोस का भी इजहार करते हैं, देखिए जिसने भी सुना होगा उसको अफसोस हुआ होगा और उसको ये खसारा हुआ होगा, एहसास हुआ होगा कि एक बड़ा खसारा हुआ। अल्लाह उस खसारे को पूरा फरमाए। वो आखिर